कई बार हम लोग के मन में आता है कि आइंस्टीन जो है एक तरह से क्वांटम फिजिक्स को जो है वो इतना ज्यादा मतलब बेमन से उसको सपोर्ट करते थे, बेमन से इन द सेंस कि उस पर वर्क करते थे लेकिन कभी उस पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते थे। तो आखिर क्या वजह था जिसके वजह से आइंस्टीन इतने निखरे हुए जो है एक वैज्ञानिक बौद्धिकता उनके पास रहते हुए भी जो है वो क्वांटम फिजिक्स जो आज के समय में वो वेल एक तरह से एक्सेप्टेड फिजिक्स हो चुका है, आइंस्टीन क्यों नहीं इसको स्वीकार कर पाते थे एक तरह से जो है। तो देखिए इसका एक मौलिक वजह जो ये था कि आइंस्टीन जो है डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स पे जो है ज्यादा विश्वास करते थे। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब चीजें निश्चयात्मक है एक तरह से जो है, ठीक है, वो एक तरह से प्रायिकता पे जो है प्रोबेबिलिटी पे जो है नेचर को नहीं मानते थे। इसलिए कभी कभी बोलते भी थे कि गॉड डजंट प्ले डाइस, ये स्टेटमेंट उनका काफी फेमस है, गॉड डजंट प्ले डाइस, इसका मतलब गॉड जो है वो जुआ या पासा नहीं फेंकता है। क्योंकि हम लोग जब पासा फेंकते हैं तो हम लोग को मालूम नहीं रहता है कि क्या आने वाला है, चीजें प्रोबेबिलिस्टिक रहा करता है। वो ऐसा बोलने का मकसद उनका यही रहता था कि बनाने वाला जो सृष्टि करता है ना उसको सारा गेम मालूम है एक तरह से जो, वो सारा चीजों को समझता है एक तरह से जो, ठीक है, बल्कि वो वेल प्लान्ड है एक तरह से जो। तो आइंस्टीन बहुत ज्यादा फिजिक्स को जो है एक धार्मिक भावनाएं जो बोलते हैं एक तरह से जो है एक ईश्वरीय भावनाएं, हालांकि नाम वो किसी का नहीं लेते हैं, ना तो किसी धर्म का जो आप नॉर्मली देखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह एक्स वाई जेड, वो मतलब यहूदी थे जीव थे लेकिन फिर भी जो है किसी भी तरह का चीजों में वो ट्रस्ट नहीं रखते थे उस तरीके से। लेकिन एक तरह से अंदर से जो है वो एक सही मायने में धार्मिक थे एक तरह से जो, तो वो एक नेचर एक सुप्रीम पावर पे विश्वास करते थे। तो बताते थे कि वो बनाने वाला जो सृष्टि करता है एक तरह से जो है, ठीक है, वो चीजों को सब जानता है, वेल प्लान्ड है उसके लिए सब चीजें जो, ठीक है, आप उसके छाप देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स देख सकते हैं, लॉजिकल वे में आप देखते हैं ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो है जैसे तैसे नहीं हो रहा है एक तरह से जो, ठीक है। तो हम लोग भले नहीं समझ पा रहे, हम लोग के पास वैसा कोई सोच नहीं आया है कि हम लोग डिटरमाइंड होकर के एटॉमिक फिजिक्स को न्यूक्लियर फिजिक्स को भी समझा पाए। तो नील्स बोर जो कि उन्हीं के फ्रेंड भी बोल सकते हैं एक तरह से जो है, समकालीन एक तरह से जो है कलीग थे एक तरह से जो है, तो वो काफी ज्यादा इसमें डेवलपमेंट किए हैं, ठीक है, किसमें, एटॉमिक फिजिक्स जो कि क्वांटम फिजिक्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है एक तरह से जो। तो नील्स बोर जो है शुरुआती दौर में बड़े रो देते थे कभी कभी, प्रैक्टिकली सही बात है, रो देते थे इस बात को आइंस्टीन को कन्विंस करते समय कि क्वांटम फिजिक्स जो एक सही स्टेप है या सही दिशा है इस प्रकृति को समझने का जो है। लेकिन आइंस्टीन का जो ट्रस्ट था, जो फेथ था, विश्वास जो था एक तरह से जो है वो ज्यादा डिटरमाइंड सोच था एक तरह से, वो हर चीज समझते थे एक्सप्लेन किया सकता है एग्जैक्टली रूप से जो। और क्वांटम फिजिक्स में आप जानते हैं कि हर चीजों का प्रोबेबिलिटी बताया जाता है, एक रेंज बताया जाता है, एक सर्टेन लिमिट के अंदर उसको बताया जाता है, एग्जैक्ट नाम का कोई चीजें होता नहीं एक तरह से, फुल्ली रूप से सर्टेन नाम का बातें होता नहीं क्योंकि वो पूरी तरह से प्रोबेबिलिस्टिक दायरे में हम लोग उसको बताते रहते हैं एक तरह से। लेकिन आने वाले वक्त में जो कि आज के युग में जो है हम लोग जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स से बेटर कोई तरीका भी आपके पास नहीं है जिससे आप बातों को उतना अच्छा से समझा पाए जितना अच्छा से क्वांटम फिजिक्स बताता है। और पहले का जो क्लासिकल फिजिक्स जो एक तरह से जो है, या पहले के जो फिजिक्स है जो कि आप न्यूटोनियन फिजिक्स या लाग्रांजियन फिजिक्स जो है, या आप मैक्सवेल के द्वारा जो सोच वगैरह है, ये सभी सोच जो है कहीं ना कहीं डिटरमाइंड चीजों को इस्तेमाल करता है। लेकिन जो है जो क्वांटम सोच है उसमें कई सारी चीजें प्रोबेबिलिस्टिक आधार पर जो स्वीकार किए जाते हैं, और यहीं से जो है समझिए तो आइंस्टीन उस पर बेमन से काम करते थे, ठीक है। मतलब कैसे आप समझ रहते हैं लेकर के कि कोई पसंद कोई और है और मिल कोई और गई एक तरह से जो है, तो काम तो चला नहीं एक तरह से जो है। तो वैसे ही एग्जांपल हम ये बता रहे, बाकी ऐसा कोई बात नहीं कि आदमी लगा हुआ तो जरूर है, तो लेकिन बात ये रहता है कि उनको ऐसा लगता था कि इससे कोई बेटर थ्योरियां हैं। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि वो बेटर थ्योरी खुद क्वांटम फिजिक्स ही है एक तरह से जो, जिस सब के नजरिए से क्वांटम फिजिक्स को देखा जा रहा था वो ज्यादा बेटर है एक तरह से जो, जिस तरह का हम लोग उम्मीद करते थे वो उम्मीद पे वो खरा उतरता है। क्वांटम फिजिक्स जो है ज्यादा ईमानदार है इसके सोच जो है, ज्यादा एक तरह से जो है आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो होना चाहिए उसके हिसाब से ही बना हुआ है एक तरह से जो क्वांटम सोच जो है। और आज हम लोग देखते हैं कि आइंस्टीन गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन आइंस्टीन का ये जो मतभेद था एक तरह से जो है कि क्वांटम फिजिक्स सही दिशा में नहीं जा सकता प्रकृति को समझने में, ये उनका बातें जो है गलत साबित होता है। हालांकि
आइंस्टीन भी क्वांटम फिजिक्स में काफी सारे योगदान दिए हैं,